नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट का ये नेक्स्ट वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को फॉर्म्स के टाइप बताऊंगा कि रिएक्ट में कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट फॉर्म है, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट फॉर्म है, और एक लाइब्रेरी से हम लोग फॉर्म जनरेट करते हैं। तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया है क्रड ऑपरेशन के अंदर, रिएक्ट में कैसे क्रड ऑपरेशन करते हैं वो हम लोगों ने कंट्रोल्ड कंपोनेंट का एग्जाम्पल देकर बताया था। अभी मैं जो है आप लोगों को फॉर्मिक जो है या यप जो है जो लाइब्रेरी है उसके थ्रू कैसे फॉर्म डिजाइन करते हैं, कैसे कंपोनेंट को तैयार करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये फंडामेंटली ट्यूटोरियल्स हैं, ये फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन प्रोजेक्ट जो है जो कंप्लीट रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनेगा वो जो है वो मैंने मेंबरशिप में इंक्लूड किया है। फंडामेंटली आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, ये वीडियोज आप लोगों को मेंबरशिप में भी मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है, जो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है जिसके जरिए आप लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोगों को रिएक्ट सीखना चाहिए, वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप में मिलेगा। अब मेंबरशिप की बात रही कि मेंबरशिप की फीस कितनी है, 600 रुपीज मेंबरशिप की फीस है। और मेंबरशिप में कौन कौन से टॉपिक्स कवर हैं वो तो हम लोग देख ही लेंगे अभी, ठीक है। जैसे कि .NET Core है, एक टेक्नोलॉजी नहीं है, एक जर्नी है पूरी मेंबरशिप, और उसमें आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। 2 या 3 साल में लगभग आप लोगों को मास्टर बना दिया जाएगा, मास्टर तो नहीं, स्टूडेंट ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा, ठीक है। अब बात रहेगी कि कैसे ज्वाइन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अब मैं आप लोगों के लिए बस इतना कह सकता हूं कि जो लोग ये मेंबरशिप से पढ़ रहा है, सीख रहा है, वो बहुत कुछ सीख रहा है। और मुझे मेल आते रहते हैं कि सर आपका जो कोड है वो बहुत ही शानदार है, आपका वीडियोज जो है वो बहुत ही शानदार है। मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूं, जो लोग मेरे वीडियो से सीखेंगे वो बहुत कुछ सीखेंगे, ये गारंटी मैं देता हूं आप लोगों को। और आप लोगों को कैसे रिएक्ट स्टार्ट करनी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। फंडामेंटली चल रहे हैं, अभी हम लोग कोड पैनल के ऊपर चलेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि फॉर्म कौन कौन से हैं और फॉर्मिक और यप का इस्तेमाल हम लोग फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए कैसे करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं और बताते हैं, और जिनको अभी ज्वाइन करनी है वो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर इसकी फीस बढ़ सकती है। आज इसकी फीस 600 रुपीज़ है, लेकिन कल इसकी फीस हो सकता है कि 1000 रुपीज़ हो जाए। और इस मेंबरशिप में आप लोगों को ढेर सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन वो स्क्रैच से रहेंगे, आप लोगों की जर्नी जो है वो फुलफिल करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कोड पैनल के ऊपर। दोस्तों ये हमारी मेंबरशिप है जिसकी फीस आज 600 रुपीस है, लेकिन आगे चलकर इसकी फीस हो सकती है कि कल ही इसकी फीस 700 या 1000 रुपीस हो जाए। तो जिसको परचेज करना है वो आज ही आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो कवर हो चुकी है। .NET Core जो है ऑलमोस्ट जो है आप लोगों का कवर हो चुका है, उसमें मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और SQL सर्वर काम में लिया है। उसके बाद में मैंने वेब API आप लोगों को समझाई, उसके सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स और कंप्लीट सोर्स कोड मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। .NET Glazer जो है उसका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके REST API के अंदर जो है उसको समझाया गया है और Blazor के अंदर उसको कंज्यूम किया गया है। उसके बाद में एंगुलर के फंडामेंटल ट्यूटोरियल पूरे हो गए हैं और एंगुलर पर प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश होने वाला है। रिएक्ट के भी फंडामेंटल ट्यूटोरियल चल रहे हैं, जैसा कि ये भी जो ट्यूटोरियल है वो भी एक पार्ट है उसका, फंडामेंटली है, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को जो प्रोजेक्ट होंगे वो सिर्फ मेंबर्स वालों को ही मिलेंगे। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, आज इसकी फीस 600 रुपीज़ है, लेकिन कल इसकी फीस पता नहीं 1000 रुपीज़ पर भी जा सकती है। तो जिसको ज्वाइन करना है वो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। मेनली हमारे पास दो टाइप के फॉर्म होते हैं, आप लोगों को पता है, एक तो होता है कंट्रोल्ड फॉर्म और एक होता है अनकंट्रोल्ड फॉर्म। तो यहाँ पर एक ग्रीन बार आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्ट न्यू कैटेगरी, सेट न्यू कैटेगरी। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो कंट्रोल्ड फॉर्म कंपोनेंट है, वो जो कंट्रोल्ड कंपोनेंट है, इसमें आप लोगों को जो स्टेट मैनेजमेंट का काम है उसके साथ आप लोगों को अपने फॉर्म्स को बाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने न्यू कैटेगरी लिखा, तो न्यू कैटेगरी डॉट नेम जो है, ठीक है, वो आप लोगों को वैल्यू के साथ आप लोगों को बाइंड होता हुआ मिलेगा जो इनपुट कंट्रोल में आप लोगों के पास है। अब यहाँ पर सेट न्यू कैटेगरी जो है वो इसको अपडेट करेगा ऑन दी ऑन चेंज मेथड। तो यहाँ पर ये जो कंट्रोल्ड कंपोनेंट है वो स्टेट के साथ जो है वो बाइंड होता है, ठीक है, डायरेक्टली डोम के साथ बाइंड नहीं होता है, यानी कि इनपुट कंट्रोल की डायरेक्ट वैल्यू आप लोगों की
जो डाटाबेस टेबल है उसमें नहीं जाएगी, आप लोगों को किसके साथ बाइंड होना पड़ेगा, दैट इज स्टेट के साथ। तो स्टेट का काम होता है आप लोगों के बाइंडिंग करने का। तो यहाँ पर जो भी स्टेट है, जैसे कि न्यू कैटेगरी है, तो न्यू कैटेगरी इट्स टाइप ऑफ कैटेगरी टाइप का है, और कैटेगरी में आप लोगों के पास नेम हो सकता है, आईडी हो सकता है। तो उसमें आप लोगों ने न्यू कैटेगरी डॉट नेम के साथ बाइंड किया उसकी वैल्यू को, उसके बाद में ऑन चेंज मैथड के अंदर सेट न्यू कैटेगरी, यानी कि उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसकी वैल्यू को आप लोगों ने जो है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके आप लोगों ने उसे अपडेट कर दिया। तो दैट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल्ड कंपोनेंट। अब द नेक्स्ट कंपोनेंट अगर हम लोग देखें तो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में आप लोगों को यूज करना है यूज रेफ। अगर आप लोग सबसे टॉप में चाहें तो यहाँ पर आप लोगों को यूज रेफ मिलेगा, और वो क्या होगा, एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट टाइप का होगा, कोई किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट टाइप को आप लोगों को यहाँ पर काम में नहीं लेना है। यहाँ पर उतनी ही प्रॉपर्टीज आप लोगों को बनानी है जितनी आप लोगों के फॉर्म्स में है, जैसे कि नेम रेफ हो गया और प्राइस रेफ हो गया। अब ये नेम रेफ और प्राइस रेफ का मतलब क्या है, नेम रेफ और प्राइस रेफ जो है, आप लोग किसी भी इनपुट कंट्रोल पर जाइए आप लोगों के, तो वहां पर रेफ नाम से आप लोगों को एक कीवर्ड मिलेगा, दैट इज द टाइप ऑफ नेम रेफ। सिमिलरली प्राइस रेफ में आप लोग जाएंगे तो प्राइस रेफ आप लोगों को मिलेगा, इट्स अ टाइप ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो इनपुट कंट्रोल आप लोगों के पास है, दैट इज रेफ एंड रेफ, प्राइस रेफ एंड नेम रेफ, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर कंट्रोल्ड कंपोनेंट और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिला है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों फॉर्म्स समझ में आए होंगे। लेकिन अभी हम लोगों का जो टारगेट है वो है फॉर्म वीक के अंदर यप और फॉर्मिक का इस्तेमाल आप लोगों को करना है, कि कैसे हम लोग फॉर्मिक और यप कंट्रोल के थ्रू जो है वैलिडेशन भी सीखें और फॉर्म्स को बनाना भी सीखें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे मैन फॉर्मिक और यप के लाइब्रेरीज के अंदर। ये दोनों ही टाइप की लाइब्रेरी है, जो फॉर्म को डिजाइन करवाता है फॉर्मिक, और यप जो है वो आप लोगों को डिजाइन करता है वैलिडेशन के लिए। तो दोनों ही सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को इसको काम में लेना है। सबसे पहले करना क्या है, फॉर्मिक और यप को आप लोगों को इंस्टॉल करना है। तो आप लोगों को टर्मिनल ओपन करना है, और टर्मिनल ओपन करने के बाद आप लोगों को लिखना है npm install formic। तो आप लोग जैसे ये लिखेंगे तो आप लोगों का formic जो है, फॉर्म बनाने वाली जो लाइब्रेरी है वो आप लोगों की यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप इसके थ्रू जो है वो अपना फॉर्म जो है वो बना सकते हैं, और इजीली आप लोग से हैं उसे यूज में ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग किसी भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन के साथ भी इसको इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, और इतना जो है जो आप लोग इसे चेक करेंगे तो आप लोगों को इजीली अवेलेबल भी मिल जाएगा। ओके, एंड फाइनली दूसरा जो है आप लोगों को यप इंस्टॉल करना है। तो अगर आप लोग फॉर्मिक इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मिक को यूज करना सीख लेते हैं पहले, उसके बाद में हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो मैंने क्रिएट कैटेगरी वाला ही फॉर्म ओपन किया है, जिसमें मैंने सिंपल कंट्रोल्ड कंपोनेंट जो है वो काम में ले रखा है। अब मैं यहाँ पर जिसमें मैंने स्टेट्स वगैरह काम में ली है, अब दूसरा जो है हम लोग यहाँ पर काम में लेंगे फॉर्मिक, और उसमें इनिशियल वैल्यूज जो है हम लोग यूज करेंगे। इनिशियल वैल्यूज जो है हम लोग एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इनिशियल वैल्यूज, और इसमें हम लोगों को यूज करना है नेम प्रॉपर्टी, क्योंकि नेम प्रॉपर्टी ही हमारे पास कैटेगरीज में है। तो हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज हैं वो हम लोगों को यूज में लिखनी है इनिशियल वैल्यूज के रूप में। अब द नेक्स्ट वन ऑन सबमिट, जब हम लोग सबमिट करेंगे यानी कि फॉर्म पर सब सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो ये सबमिट होगा, और ये वैल्यूज जो होंगी, जो इनिशियल वैल्यूज होंगी, वो एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होंगी। तो हम लोगों के पास वो वैल्यूज जो है वो कंसोल में हम लोगों को प्रिंट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग, एंड जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। तो वैल्यूज जो होंगी वो ऑब्जेक्ट टाइप की रहेंगी जो हम लोगों ने नेम को असाइन किया है। अब हम लोगों को एक फॉर्म डिजाइन करना है जस्ट इसके बाहर। तो ये फॉर्मिक जो है वो क्लोज हो गया, अब इसके अंदर फॉर्म बनाना है, और फॉर्म जो है वो हमारे पास फील्ड्स जो है उसमें हम लोगों को मेंशन करनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा फॉर्म। अब ये ध्यान रखना कि फॉर्म जो है वो आप लोगों को हो सकता है कि अदर लाइब्रेरीज में भी मिल जाए, या आप लोगों को एंगुलर सॉरी रिएक्ट में भी आप लोगों को हो सकता है कि फॉर्म जो है आप लोगों को अदर किसी लाइब्रेरी में मिल जाए। तो आप लोगों को ये चेक करना है, ठीक है। साथ में आप लोग इसमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास नेम इक्वल्स टू फॉर्म ग्रुप आप लोग लिखें, और लेबल के लिए आप लोग जो है कैटेगरी नेम लिख सकते हैं, लेबल इक्वल्स टू एचटीएमएल 4 आप लोग लिखें, और जो भी आप लोग वहां पर जो आईडी प्रॉपर्टी बनाएंगे इसके अंदर वो ही आप लोगों का यहाँ पर एचटीएमएल 4 जो है अटैच हो जाएगा। तो फील्ड जो है आप लोग यहाँ पर लिखें नेम,
फील्ड इसमें बनेगी, नेम इक्वल्स टू वो ही नेम लिखें जो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं फॉर्मिक के अंदर, नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यूज के अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा कि फॉर्म के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज रहेंगी। क्लास नेम आप लोग लिख सकते हैं फॉर्म कंट्रोल, ओके। तो यहां पर जो नेम के अंदर आप लोगों ने नेम डाला है उसी को आप लोगों को ज्यादा फोकस में रखना है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग कस्टम बटन यूज करें, टाइप इक्वल्स टू आप लोग लिखें सबमिट, एंड यहां पर आप लोगों के पास कस्टम बटन जो है वो ऐड हो जाएगा। उसमें लिखें आप लोग सेव, और तो आप लोगों ने फॉर्म बनाया, उसमें लेबल आप लोगों ने काम में लिया, फील्ड आप लोगों ने काम में लिया, फील्ड में नेम जो प्रॉपर्टी है मैंने जैसे बता दिया कि आप लोगों को वही काम में लेना है जो आप लोगों ने इनिशियल वैल्यूज के अंदर लिया है। अब हम लोग इसे स्टार्ट कर लेते हैं, और आप लोगों को पता है कि ये न्यू कैटेगरी, उप्स यहाँ पर न्यू कैटेगरी पर क्लिक करते ही एरर आया, और मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि फॉर्म अदर लाइब्रेरीज में है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बताया है। जस्ट आप लोगों को अपनी लाइब्रेरीज भी चेक करनी है कि आप लोगों ने क्या इम्पोर्ट किया है। अब आप लोगों ने रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर फॉर्म को यूज कर रखा है, जबकि फॉर्मिविक का फॉर्मिक के अंदर आप लोगों को फॉर्म यूज करना है, एंड फाइनली आप लोगों का ये चीजें सही रहेंगी, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर भी फॉर्म आप लोगों का है, तो उसे भी आप लोगों को मैनेज करना है कि फॉर्मिक की लाइब्रेरी हम लोग यूज कर रहे हैं तो फॉर्म जो है उसी का होना चाहिए। एंड फाइनली आप लोगों को ये सेव कर देना है, सेव करने के बाद आप लोग जो है उसका रिजल्ट देख सकते हैं जो आप लोगों का डिजायर्ड रिजल्ट होगा। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर सिंपल कैटेगरी नेम, एक टेक्स्ट बुक्स दिखाई दे रहा होगा दैट इज द फील्ड, एंड एक बटन दिखाई दे रहा होगा जिसपे आप लोगों ने लिखा हुआ सेव। यहाँ पर आप लोग बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा सकते हैं, क्लास इक्वल्स टू आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बीटीएन बीटीएन प्राइमरी। अब हमारा जो फोकस रहेगा वो यप पर रहेगा, ताकि हम लोग इस पर पहले इसका आउटपुट हम लोगों को देखना होगा कंसोल के अंदर। अब मैंने ये कंसोल जो है साथ में ब्राउजर के ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक सिंपल सी वार्निंग है, इट्स ओके। एंड फाइनली हम लोगों को कैटेगरी नेम जो है कोई भी डालना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने हेल्थ कैटेगरी यहाँ पर डाला, ठीक है, और हेल्थ कैटेगरी पर करने के बाद में मैंने यहाँ पर सेव किया। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि नेम के अंदर क्या गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप है नेम, और उसके अंदर आप लोगों के पास क्या गया है हेल्थ, तो यहाँ पर ये पोस्टेड हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी नाम ना डालूं और मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ सेव पर, तो भी ये यहाँ पर आप लोगों को नेम जो है वो पोस्टेड हो रहा है। तो यहाँ पर जो वैलिडेशन हम लोगों को लगाना है दैट इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन, और वो हम लोगों को यहाँ पर, अब अपने फॉर्म्स पर आ जाइए, और यहाँ पर आप लोगों को यप जो है वो डाउनलोड करना है। तो हम लोग लिखते हैं npm install yup yup, ओके, और यप जो है हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। फॉर्मिक हम लोगों ने इंस्टॉल किया, वैसे ही हम लोगों को लिखना है npm install yup। आप लोग एक स्टेबल जो है जो लेटेस्ट जो आप लोगों के पास, यहाँ पर देखिए यप को इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास है एरर्स, राइट, नॉट फाउंड, ओके, ओके, ये आप लोगों को मिला है वाई यू पी। आप लोग लिखें तो स्मॉल में लिखें, ना कि कैपिटल में लिखें, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर ओके, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोगों को इसको काम में लेना है, ठीक है। काम में लेने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये लाइब्रेरीज जो है वो ही आप लोगों को सबसे इस्तेमाल में लेनी है। तो आप लोगों ने लिखा सब कुछ जो है यप के अंदर जो भी है वो हम लोगों को यूज करना है, इम्पोर्ट स्ट्रिक्ट, ठीक है, एज वाई यू पी यप From yup, okay, and yup से हम लोगों को काम में लेनी, right? Okay, so library को correct करते हैं पहले। yup जो है यहाँ पर हमारे पास capital हम लोग लिखते हैं, और ये जो है वो small में हम लोगों ने install किया, तो library ये है आप लोगों के पास, right? अब हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने formic जो है उसमें इनिशियल वैल्यूज हम लोगों ने लिखी हैं, ऑन सबमिट हम लोगों ने लिखा है, एंड फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्लोज करता है। अब द नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, दैट इज कि इनिशियल वैल्यूज ऑन सबमिट, और अब हमारे पास है दैट इज वैलिडेशन स्कीमा, और इसमें हमारे पास काम आएगा यप,
ठीक है, डॉट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो है वो दैट इज की, तो हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया है वैलिडेशन स्कीमा यप डॉट ऑब्जेक्ट, और इसमें हमारे पास यहां पर आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट, और इसमें हम लोग सबसे पहले वो फील्ड जो है स्पेसिफाई करेंगे जो हम लोगों ने फॉर्मिक के अंदर जो इनिशियल वैल्यूज है वहां पर इनिशियलाइज की है, ठीक है, दैट इज द नेम, और हम लोगों को नेम को ही जो है यूज करना है, तो हम लोग लिखेंगे यप डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड, और यहां पर हम लोग मेंशन कर देंगे नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। तो हम लोगों ने यहां पर देखिए वैलिडेशन स्कीमा यूज किया है और हम लोगों ने यप को यूज किया है, जैसे कि मैंने बोला कि फॉर्मिक जो है वो तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए काम आएगा, लेकिन जो आप लोगों का जो वैलिडेशन जो आप लोगों का यप है ये आप लोगों का वैलिडेशन स्पेसिफाई करने के लिए काम आएगा, तो वैलिडेशन स्कीमा लिखें और उसके बाद में आप लोगों को सिर्फ यप डॉट ऑब्जेक्ट करके जितने भी आप लोग यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकते हैं उतने आप लोग वैलिडेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि वैलिडेशन स्कीमा ये है कि नेम पर जो भी एरर मैसेज होगा दैट इज रिक्वायर्ड एरर, और ये एरर मैसेज आप लोगों के पास है नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो ये आप लोगों के जस्ट इसके नीचे भी आप लोगों को शो करना है बाय यूजिंग एरर मैसेज। कैसे शो करेंगे? एरर मैसेज आप लोगों ने लिखा, कौन सी फील्ड है, नेम इक्वल्स टू नेम ही आ रहा है आप लोगों के पास, एरर मैसेज भी नेम ही है, ठीक है, उसका हम लोगों ने इस नेम फील्ड जो है उसको हम लोगों ने नेम फील्ड से ही असाइन किया है, ठीक है। तो यहां पर इस एरर मैसेज के अंदर आप लोग यहां पर कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, यहां पर आप लोग लिखेंगे एरर एरर, ओके, एंड इस एरर के अंदर आप लोग यहां पर डिवीजन यूज कर सकते हैं डिव, इस डिवीजन के अंदर मैं यहां पर क्लास यूज कर सकता हूं क्लास नेम, और ये हो जाएगा टेक्स्ट डेंजर, ओके। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया टेक्स्ट डेंजर, और इसमें हम लोगों को यहां पर मेंशन कर देना है दैट इज एरर, ये वाला जो एरर है ये हम लोग यहां पर मेंशन करवाना चाहते हैं, तो एक डिवीजन बनेगी और उस एरर के अंदर हम लोगों ने एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। अब हमारे पास हम लोगों को आउटपुट चेक करना है, जब मैं यहां पर इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए कोई भी फील्ड जो है वो जनरेट नहीं होती है, और यहां पर आप लोगों के पास जो है द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड टाइप से मैसेज आ जाता है, तो दैट इज द यप हम लोगों ने यूज किया है। तो फॉर्मिक से आप लोग अपना कंट्रोल बना सकते हैं और यप से आप लोग जो है उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, उसके वैलिडेशन को हैंडल कर सकते हैं।